हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जिक्र किया और बीजेपी के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो मनोज तिवारी वहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का वहां पर दबदबा है। तो ये लीजिए आंकड़ा सामने है, 46% लोग इस इलाके में भी आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास जता रहे हैं, 37% लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं और 4% लोग कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि यहां भी 13% लोग ऐसे हैं जो कि अपना रुख अभी नहीं बता रहे हैं कि यानी वो किसकी तरफ जा रहे हैं। और ये 13% का जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब सीट वाइज हम दिखा देते हैं कि ये वोटिंग परसेंटेज जब सीटों में कन्वर्ट हो रहा है तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर आप देख रहे हैं कि इस इलाके में, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का दबदबा है, मनोज तिवारी का यहां पर दबदबा है, 4 से 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 0 से 1 कांग्रेस के खाते में, यानी कहीं ना कहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव प्रचार किया है। मनोज तिवारी की जो सीट है उस इलाके में 10 में से 4 से 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि वोट परसेंटेज बीजेपी के 37% है और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज 46 का है, पर उसके पास 3 से 5 सीटें हैं। ये आंकड़ा देखकर यशवंत देशमुख के पास जाना पड़ेगा। यशवंत, वोट परसेंटेज ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास है लेकिन सीटें बीजेपी के खाते में है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना ये? नहीं, कंसंट्रेटेड है, वही मैंने बोला कि आप जब ओवरऑल वोट शेयर देखते हैं और सीटों पे उनका बिखराव कैसा है वो देखते हैं तो आपको अलग अलग चीजें नजर आती हैं। आजकल वोटों और सीटों का कोई सीधा तालमेल ऐसा लगता है इसे बिखरता जा रहा है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि बड़ी तादाद में वोट पाने के बाद में भी कोई एक पार्टी जो है वो कंसंट्रेटेड जगहों पे ज्यादा पाती। अभी हमने जब इसके पहले वाले इलाके की बात की तो वहां पर हमने देखा था कि बीजेपी के वोट बहुत ज्यादा है, लगभग बराबरी पे है, 3% का गैप है, लेकिन सीटें उतनी ज्यादा बीजेपी को नहीं थी। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो शायद आपको अंदाजा लगेगा कि कुछ कंसंट्रेटेड सीटें ऐसी हैं जहां पर दो चीजों का काम हो सकता है। एक तो ये कि मार्जिन्स का अंतर हो सकता है, दूसरा ये भी हम ध्यान रखें कि जहां जहां पर पोलराइजेशन वाली सीटें हैं वहां पर काउंटर पोलराइजेशन का भी फायदा बीजेपी को हो सकता है। काउंटर पोलराइजेशन, वही बात, शाहनवाज हुसैन, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कहाँ है? पोलराइजेशन का ही फायदा मिल रहा है जी, क्या तो फायदा मिल रहा है या काउंटर पोलराइजेशन का फायदा मिल रहा है? दुश्वारी ये है कि दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके इस ओपिनियन पोल के डिबेट में आए हैं, क्योंकि हमें मालूम है जी हमारे लिए दिन बाकी है, आज पूरी रात बाकी है, कल का पूरा दिन बाकी है प्रचार का। और आप जानते हैं कि जिस तरह हम शुरू हुए थे, जो यशवंत देशमुख जी ने कहा कि हमारी हमारे बारे में लोगों की राय क्या थी जो ओपिनियन मेकर हैं, लेकिन उनकी ओपिनियन बदल दी है तो हम ये मानते हैं कि हम अभी ये 2 दिन और प्रचार करेंगे और जहां लोगों को समझाएंगे। और कई लोगों को दिक्कत यह है कि जब देश को गाली दोगे आप, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर आप पूरे देश को गुमराह करोगे, तो दिल्ली की जनता है जानती है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू सिख भाइयों के आंसू पोछ रहे हैं और ये लोग उस पर नमक छिड़कने का काम दीपक कर रहे हैं। शाहनवाज जी, उन तमाम हंगामा किया गया, उन तमाम नसों को दबा रहे हैं जहां पे आपको दर्द होता है। दर्द हो रहा है आपको? सीए की बात कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ये वो नशे दबा रहे हैं जहां से देश को दर्द होता है। ये देश की दुखती रगों की राजनीति करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं। इस नफरत की राजनीति अच्छा। के खिलाफ हमारी काम की राजनीति की जीत होगी, दिल्ली के इलेक्टोरेट की जीत होगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, ये नॉर्थ ईस्ट जिस सीट की आप बात कर रहे हैं की भी सीट है, पुरानी की सीट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं है, आपका कैसे रिजल्ट आ रहा मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी बड़ी तादाद से ये 10 सीटें हम यहाँ जीत रहे हैं, ये गरीब इलाके की जहाँ पर झुग्गी में रहने वाले लोग ज्यादा फायदा हमारी जानना चाहता है, दिल्ली सबसे बड़ी संख्या में हमारे एक मिनट, दीपक भाई एक मिनट, बारी बारी से बोलिए, एक साथ मत बोलिए, एक की आवाज भी समझ में नहीं आती है। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, ये एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट दिखाई दी अभी तक के ओपिनियन पोल में जो सी वोटर ने किया हमारे लिए,
जिसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है सीटों के लिहाज से, क्या कांग्रेस पार्टी को यह फीडबैक है कि बीजेपी को कुछ इलाकों में फायदा हो रहा है आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है सुमित जी, जब 10 वोट परसेंटेज का अगर डिफरेंस दिखा रहे हैं, 1% आधा परसेंट होता है तो वोट कम ज्यादा हो जाती है सीट, मतलब वोट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर 41 है और 42 आया है तो 41 वाले को 4-5 सीटें एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन 10% वोट का डिफरेंस हो और उसके बाद सीटें दूसरी पार्टी की ज्यादा हो, मैं इस पूरी तरह से इस ओपिनियन पोल के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हूँ। हरियाणा वाला हाल एबीपी न्यूज का ना हो जाए कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और तमाम फिर सवाल पीछे छूट जाए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। आप सर्वे सर्वे ठीक भी होते हैं, सर्वे गलत भी होते हैं। प्रदीप जी बोलना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, सुमित जी एक बात हम लोग भूल रहे हैं कि 2015 से 2020 की तुलना कीजिए जी। 2015 में आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, आंदोलन की पार्टी थी, अब ये सत्ता की पार्टी है। उस समय जो प्रमुख चेहरे थे सार्वजनिक क्षेत्र के, वो सब जा चुके हैं इस पार्टी से। 67 सीटें जीती थी पार्टी, एमएलए की भी एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो सब आम आदमी पार्टी के खाते में है। कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी, बीजेपी के पास 3 सीट थी, तो ये फैक्टर भी काम करेगा। दूसरा, 15 में बीजेपी हारे हुए मन से लड़ रही थी, उसने जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया उसने ही घर को तहस नहस कर दिया, वो तो बाद में आज, आज जो स्थिति, चुनाव से पहले ही हुआ ना, चुनाव के बाद थोड़े हुआ, तो आज जो स्थिति तो था, मोदी जी की हवा चल रही थी, मोदी जी का रथ तो पहली बार रुका था, अरविंद केजरीवाल की हवा नहीं, आंधी चल रही थी। और आज जो स्थिति है, हम ये नहीं कह रहे कि आम आदमी पार्टी हारने जा रही है, लेकिन 15 से आज की स्थिति में बहुत अंतर हो गया है और ये चुनाव रोज बदल रहा है। आपका जो ट्रैकर है उसके हिसाब से एक दिन भी आम आदमी पार्टी ऊपर नहीं गई है, लगातार नीचे ही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन दो दिनों से ट्रैकर भी फिक्स हो गया। बीजेपी एक दिन भी नीचे नहीं गई है, ठहरी भले है लेकिन नीचे नहीं गई है। दीपक, दीपक बोला सुमित जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के इतने अनुभवी चुनाव रणनीतिकार हैं, आखिर क्या वजह रही कि 6:30 बजे हरदीप पुरी जी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का अनाउंस करते हैं, 8:30 बजे वापस ले लेते हैं, पैर क्यों कांपने लग गए भारतीय जनता पार्टी की, इसका कुछ अंदाजा है आपको? आज दिल्ली भर में ये बात सामने है कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी काम पर बैठे भाग रही है? आपने अच्छा पॉइंट उठाया, आपने बहुत जायज पॉइंट उठाया और इसी पॉइंट को लेकर कल अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला भी किया बीजेपी पर। मैं बात राजबारी जी से सुनना चाहूंगा, राजबारी के साथ बैठे हुए हैं, सबसे नजदीक से दिल्ली के चुनाव को कवर कर रहे हैं। एक मिनट शाहनवाज भाई, त्रिपुरा में बिना शाहनवाज भाई क्यों बीबीएल इन दिल्ली, अभी 30 सीटें और बाकी है शाहनवाज भाई, इसी मुद्दे पर रहते भड़क रहे हैं। दीपक एक मिनट, राज बिहारी, क्या जो बात दीपक वाजपेयी ने कही उसी बात को और आसानी में समझाऊं, क्या किसी चेहरे को अगर बीजेपी ने दिया होता, चाहे वो मनोज तिवारी का ही होता, चाहे वो हर्षवर्धन का होता, तो क्या फायदा होता बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं होता जी। जैसे पिछली बार देश जैसे हुआ कि बाहर से लाके किरण बेदी को उम्मीदवार बनाया, हाँ। तो पार्टी का जो कार्यकर्ता था वो चुपचाप बैठ गया, उन्होंने कहा अभी लड़ा लो अपने आप को। क्या है दिल्ली में अभी रणनीतिकार जो थे पिछली बार, शाहनवाज जी हैं कि सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू जी, इनका दिल्ली में बहुत प्रभाव रहता था और सारी कई बार टिकट बंटवारे में खूब चलती थी उनकी। तो इस बार पार्टी ने ये सोच के कि यहाँ पर दावेदार बहुत है, ऐसा नहीं है बीजेपी में सीएम के दावेदार हैं, सीएम के दावेदार बहुत हैं बीजेपी है। और लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन पार्टी का कहना था कि आप चुनाव लड़ो एमएलए का, हम आपको चेहरा नहीं बनाएंगे। अच्छा। लेकिन चेहरा अपना बनते लो, तो ऐसे में बीजेपी ने इस बार बहुत समझदारी दिखाई। तो हरदीप पुरी ने मतलब गलती कर दी, देखिए बीजेपी अनाउंस कर दिया था उन्होंने, देखिए बीजेपी ने वो समझदारी दिखाई कि नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने अनाउंस किया। और इस कारण जो है, देखिए सही बात है कि ये भी सही बात कह रहे हैं कि बीजेपी में अगर कोई कैंडिडेट घोषित होता तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भीतरघात होती, लड़ाई बहुत तेज होती, एक दूसरे को हराने की लड़ाई होती। तो इसका इस कारण पार्टी ने सोच समझ के फैसला किया कोई चेहरा नहीं उतारेंगे। और ये बहुत समय के बाद हुआ है कि पार्टी ने कोई चेहरा नहीं घोषित किया है दिल्ली में, क्योंकि 2013 में भी चेहरा था, 2008 में भी चेहरा था, 2003 में भी था, हमेशा चेहरा रहा पार्टी का, इस बार कोई चेहरा नहीं है पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो पार्टी जी जी एक महीना पहले तक जिसमें दम नहीं दिखाई दे रहा था और मान के चल रहे थे, पार्टी के नेता भी मान के चल रहे थे
अब कि हम दम नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अब बीजेपी बड़ी तो कम से कम हमारा ओपिनियन पोल अब तक जो हम 40 सीटें दिखाए हैं, इसको जरा ध्यान से देख रहे तमाम दर्शक, इन 40 में से 22 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी की है, बीजेपी के पास 7 से 15 सीटें आ रही है। यानी बीजेपी अपने बीती बार के मुकाबले अपने परफॉर्मेंस को काफी हद तक सुधार रही है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।